नमस्कार। 100 वर्ष पहले तक भारत में हिंदू और बौद्ध धर्मावलंबियों को इतना अलग नहीं समझा जाता था। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप से लौटने के बाद यहाँ जो व्याख्यान दिए थे, उसमें वो बार बार जिन महापुरुषों की चर्चा करते थे, उसमें एक गौतम बुद्ध भी थे। वो बुद्ध देव के रूप में उनका उल्लेख करते थे और एक हिंदू महापुरुष के रूप में उसका उनका उल्लेख करते थे, और हम नहीं जानते कि उस समय किसी ने उस पर कोई आपत्ति की थी या उस पर कभी कोई प्रश्न उठाया गया था। उस समय तक ऐसी स्थिति थी कि बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म की चर्चा करते हुए दोनों के बीच समानता को अधिक महत्व दिया जाता था, अधिक उसकी चर्चा होती थी, विभिन्नता की कम। और हमें यह नोट करना चाहिए कि यह स्थिति गौतम बुद्ध के अवसान के 2000 वर्ष बाद तक थी, किंतु आज भारत और विश्व दोनों जगह अधिकांश बुद्धिजीवी बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म की निकटता कम और अलगाव को अधिक रेखांकित करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि बुद्ध का जन्म हिंदू कुल में हुआ था, उनके प्रतिपादित मत के उदय, उत्थान और उत्कर्ष के साथ साथ बौद्ध मूर्तिकला, भाषा, शब्दावली, चिंतन, नामनुक्रणिका, विनय पद्धति तथा आध्यात्म साधना, इन सब में हिंदू भावना की व्यापक झलक मिलती है। उनका उनमें अंतर करना मुश्किल है, किंतु इन सभी तथ्यों को उपेक्षित कर अनेक लोगों द्वारा आज बुद्ध धर्म को हिंदू धर्म से बिल्कुल भिन्न बताया जाता है। नोट करने की बात यह है कि यह किसी नवीन शोध या व्याख्या के आधार पर नहीं, बल्कि सीधे एक दावे और मतवादी जिद का पुट उसमें अधिक मिलता है। इस बिंदु पर जो वाद विवाद हो रहा है या होता रहा है, उसकी खुले दिमाग से परीक्षा करनी चाहिए। हाल में बेल्जियम विद्वान कॉनराडेल्स्ट ने कुछ नव बौद्धों के साथ संवाद के करते हुए यह कहा कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं भारत की पारंपरिक उपनिषदिक शिक्षाओं से मूलतः भिन्न नहीं है। इसका प्रतिवाद करने वालों को उन्होंने चुनौती भी दी, वे बुद्ध के धर्म को हिंदू धर्म से अलग करके दिखाएं। एल्स्ट तुलनात्मक धर्म दर्शन के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता है। उस बहस में जो सामान्य तथ्य सामने आए, उसकी भी जानकारी हमारे शिक्षित लोगों को बहुत कम है, लेकिन वह हमें जानना चाहिए। वस्तुतः सबसे पहली बात यह है कि बुद्ध धर्म को हिंदू धर्म से अलग समझने की धारणा बड़े हाल की है और यूरोप से आई है। यूरोपीय विद्वान अगर शुरू शुरू में हिंदू धर्म से अलग बुद्ध धर्म को समझते थे या बिल्कुल स्वतंत्र समझते थे, तो उसका कुछ कारण था। एक सीधा कारण तो यह था कि पहली बार यूरोपीय विद्वानों ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर ही अलग अलग देशों में पाए। वहाँ भी जैसे जापान, चीन या थाईलैंड, इन देशों में जो बुद्ध धर्म का विकास या स्थिति थी, उसका भारत से कोई संबंध दिखाई नहीं पड़ता था। बल्कि अनेक यूरोपीय लोगों को तो यह भी मालूम नहीं था कि गौतम बुद्ध भारतीय भी थे। इसके अलावा यह बात भी थी कि उन देशों में भारत से बाहर जहाँ बुद्ध धर्म स्थापित है, वहाँ उनका विकास, उस धर्म का विकास सदियों से स्वतंत्र रूप से होता रहा था और उसमें भारत की कोई भूमिका नहीं थी। इसलिए यह स्वाभाविक था कि अनेक अध्ययनकर्ता विद्वान बुद्ध धर्म को एक स्वतंत्र विषय समझते, चाहे भारत से उसके संबंध की उनको जानकारी हो या ना हो। लेकिन भारत में ही बुद्ध धर्म को एक अलग धर्म के रूप में और बिल्कुल हिंदू धर्म के कहीं कभी कभी विरुद्ध या नितांत भिन्न बताने में कई तत्वों का योग है। इसमें अज्ञान के साथ साथ हिंदू धर्म के प्रति विद्वेष की भी भूमिका है, और इसीलिए यह विषय हमारे लिए विशेष रूप से ध्यान देने लायक हो जाता है। बल्कि कुछ लोगों ने तो बुद्ध धर्म को आरंभ से ही
एक तरह का हिंदू धर्म विरोधी या ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के रूप में पेश करने की कोशिश की है, और ऐसा करने वाले बड़े बड़े विद्वान हैं, विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक हैं। फिर एक हाल में यह घटना भी हुई कि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में बुद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने एक अनोखी बात की, उन्होंने हिंदू धर्म को त्यागने की भी घोषणा की थी। यह भारत के इतिहास में एक नई घटना थी, क्योंकि बौद्ध परंपरा में भी, भारत की बौद्ध परंपरा में भी यह पहली बार हुआ, क्योंकि भारत में, भारतीय धर्म परंपरा में कोई एक ही मत मानने की आवश्यकता नहीं रही है। कोई भी मत मानना या न मानना, एक साथ कई मत मानना, किसी मत को मानकर फिर छोड़ देना या उदासीन हो जाना, यह सब भारतीय धर्म परंपरा में या ज्ञान परंपरा में सामान्य रहा है। इसीलिए किसी के द्वारा हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध बनने की घोषणा पहली बार हुई। ध्यान देना चाहिए कि यह चर्च ईसाइत की धारणा है, वहीं पर केवल एक मत मानने और दूसरे को अमान्य करने या छोड़ देने या मिटाने का सिद्धांत व्यवहार रहा है। हिंदू धर्म समाज में ऐसा कभी नहीं रहा। इसीलिए किसी के द्वारा बौद्ध मत स्वीकार कर लेने से या किसी के बौद्ध बन जाने से हिंदू धर्म त्यागने जैसी बात भारतीय इतिहास में कहीं नहीं मिलती। यदि कोई ऐसा करे तो कह सकते हैं कि यह बुद्ध धर्म, बुद्ध दर्शन और इतिहास के प्रति भ्रांत समझ भी इसका एक कारण हो सकता है। बाद में 1950 के बाद कुछ मार्क्सवादी लेखकों ने बुद्ध धर्म को हास्यास्पद स्तर तक राजनीतिक विचारधारा में भी बदलने की कोशिश की। इन सब कोशिशों की जड़ में वह भ्रांति है कि गौतम बुद्ध का दर्शन हिंदू धर्म का विरोधी था। लेकिन इसी भ्रांति ने समकालीन भारत में कई वाममार्गी लेखकों, नेताओं को अपने प्रचार के लिए अतिरिक्त बल और सामग्री प्रदान की। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी बुद्ध धर्म को विशिष्ट महत्ता देते थे। उन्होंने सम्राट अशोक को बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ महापुरुष बताया, बल्कि उनके सिंह त्रयी वाले स्तंभ को भारत का राजकीय चिन्ह भी बनाया गया और उसमें दिए गए चक्र को भारत के झंडे में स्थान दिया गया। जाने अनजाने यह भारतीय पहचान को हिंदू धर्म से अलग करने का कार्य भी था। इसकी पुष्टि नेहरू जी के लेखन से भी होती है। उनके लेखन में भारत के इतिहास में दो महानतम शासकों में अशोक और अकबर का नाम आता है। वो बार बार इन दोनों का उल्लेख करते हैं। प्रश्न उठता है, क्या वे ललितादित्य या समुद्रगुप्त को नहीं जानते थे? यह नेहरू जी के इतिहास की सीमा दिखाता है। लेकिन दुर्भाग्य से वही सीमा भारत में सोशल साइंस या इतिहास और राजनीति के अध्ययन में व्यापक हो गई है। लेकिन अगर अध्ययन किया जाए, खोज किया जाए, तो यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि भारत में चक्रवर्ती अर्थात चक्र चलाने वाले सार्वभौमिक शासक की धारणा सम्राट अशोक से बहुत पुरानी है। साथ ही 24 तीलियों वाले चक्र का संबंध सांख्य दर्शन से भी जोड़ा जा सकता है, जिसके केंद्र में पुरुष या कर्ता है और परिधि में प्रकृति के 24 तत्व हैं। इस तरह न तो धर्म, न चक्र, न चक्रवर्ती कोई गौतम बुद्ध से आरंभ हुई धारणाएं हैं। ये धारणाएं भारतीय समाज में गौतम बुद्ध से पहले से चली आ रही थी। इसीलिए कहना अधिक उपयुक्त होगा कि गौतम बुद्ध ने भी इसका उल्लेख किया है। उन्होंने कहीं यह दावा नहीं किया कि यह सब धारणाएं उन्होंने पहली बार दी हैं, बल्कि कहना यह चाहिए कि उन्हीं धारणाओं को गौतम बुद्ध ने नई भाषा और नया बल दिया। पर हिंदू संस्कृति और ज्ञान के बारे में कुछ विशेष न जानने के कारण नेहरू जी ने मान लिया कि जब अशोक ने बौद्ध मत स्वीकार किया तो वह जरूर हिंदू धर्म से अलग हो गए होंगे। उसी क्रम में नेहरू जी भारतीय सहिष्णुता को भी बौद्ध धर्म की देन समझते थे, न कि सनातन हिंदू परंपरा। जब हम ऐसा कह रहे हैं तो यह नेहरू जी के प्रति कोई निरादर नहीं है। हर व्यक्ति के ज्ञान की सीमा होती है, और नेहरू जी की जीवनी, बल्कि उनके जो प्रशंसक जीवनीकार हैं, उन सब ने लिखा है कि नेहरू जी को हिंदू धर्म की कोई जानकारी नहीं थी, बल्कि उन्हें एक तरह से इससे एलर्जी थी। इसलिए उनकी कई धारणाएँ धर्म विषयक, इतिहास विषयक,
उस अज्ञान से जुड़ी हुई हैं जो नेहरू जी के लालन पालन शिक्षा दीक्षा और अपनी विशिष्ट वैचारिक झुकाव के कारण उनमें घर कर गई थी। लेकिन दुर्योग से प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा कहे जाने के कारण और वामपंथी मार्क्सवादी लेखकों द्वारा उसका निरंतर प्रचार किए जाने के कारण, निरंतर उसका रेफरेंस दिए जाने के कारण वह भारत में स्थापित अकादमिक मान्यताओं में बदल गई है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सही भी है और इसकी जांच कोई स्वयं भी कर सकता है। सच्चाई यह है कि पारंपरिक हिंदू सहिष्णुता और बहुलवादी दृष्टिकोण का लाभ स्वयं गौतम बुद्ध को मिला था। इसीलिए कॉनराडेल्स पूछते हैं, और ये उनका प्रश्न विचारणीय है, क्या किसी मुस्लिम देश में भी कोई गौतम बुद्ध अपने सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए शांति और आराम से रह सकता था? जबकि यह हिंदू समाज में बिल्कुल सहज था और आज भी है। चैतन्य, नानक, स्वामी दयानंद, स्वामी रामकृष्ण, विवेकानंद, रमण महर्षि, श्री अरविंद जैसे नए नए चिंतक, गुरु, ज्ञानी जिनके नाम से संप्रदाय बनते हैं यहाँ सदैव स्वीकृत रहे। वे किसी न किसी विशेष विचार को अपना इष्ट या आधार बनाते हैं। उन्हें पूरी दुनिया में अपने शिष्य भी मिलते हैं। उन शिष्यों की संख्या अपार भी हो सकती है या होती है। वे शिष्य अपने गुरु को ईश्वर का अवतार भी मानने लगते हैं, जो हम देख सकते हैं रामकृष्ण आश्रम में, विवेकानंद आश्रम में, श्री अरविंद आश्रम में। उनके शिष्य उन्हें ईश्वर का या कृष्ण का अवतार मानते हैं, उनके मंदिर बनाकर उनकी पूजा तक शुरू कर देते हैं। लेकिन नोट करने की बात है कि किसी भी सामान्य हिंदू को यह सब कभी अनोखा, अनुचित, अहिंदू या हिंदू विरोधी नहीं लगता। यह सदियों पुरानी भारत की सनातन परंपरा है। गौतम बुद्ध भी ठीक इन्हीं चिंतकों गुरुओं जैसे थे। फर्क इतना था कि वह 2500 साल पहले हुए थे, और इसे विविध प्रमाणों से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए सबसे प्रमाणिक उदाहरण जो हिंदू सनातन धर्म के दार्शनिक ग्रंथ हैं और जो बौद्ध धर्म के दार्शनिक ग्रंथ हैं, उसे पढ़ करके भी यह देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए आप उपनिषद पढ़ें और फिर धम्मपद पढ़ें, इसके बाद दोनों के संदेशों पर विचार करें। धम्मपद में शायद ही ऐसी कोई बात मिलेगी जो उपनिषद में न कही गई हो अथवा उसकी किसी शिक्षा के प्रतिकूल हो। तब यह कैसे कहा जा सकता है कि बुद्ध ने वेदांत से नितांत भिन्न या विपरीत कोई मत चलाया? यह केवल तर्क की बात नहीं है, गौतम बुद्ध के जीवन और कार्य में खोजने पर भी कोई अहिंदू तत्व या भाव नहीं मिलता। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि बुद्ध से लेकर श्री अरविंद तक ऐसे तमाम मनीषियों गुरुओं ने कभी भी अपने को हिंदू धर्म से अलग नहीं माना। कह सकते हैं कि अनेक बौद्ध अनुयायियों ने यह भ्रांत कल्पना कर ली कि ईसाइयत और इस्लाम की तरह बुद्ध ने भी कोई नया धर्म चलाया था, और यह भूल या भ्रांति इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म ज्ञान और उससे बुद्ध वचनों के संबंध पर ध्यान नहीं दिया या पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। और यह तो जग जाहिर बात है कि हिंदू परंपरा ने भी कहीं कुछ देते हुए या बताते हुए कभी कोई अपनी दावेदारी, कॉपीराइट या रेफरेंस की मांग कभी नहीं की थी कि आप जो बातें कह रहे हैं ये तो हमने पहले कही हैं, इसलिए आप हमारे नाम से कहिए, हमारा नाम लीजिए। ऐसी हिंदू परंपरा या भारत की ज्ञान परंपरा नहीं रही है। यहाँ ज्ञान मुक्त रहा है, कॉपीराइट से मुक्त रहा है, बहुत इसका कोई दावा नहीं रहा कि यह हमारी बात है और हम दुनिया में इसका प्रचार करें, इस पर अपना कोई मुहर लगाएं। इसलिए कई बातें जब कोई विशेष गुरु या चिंतक उन्हीं को नए शब्दों में कहते हैं तो लोग, उनके शिष्य खास करके, उसे मानते हैं कि वो उनके गुरु की बात है, वो उन्हीं की बात है, और उन्हें अब वो भूल जाते हैं कि वो वही बातें हैं जो पहले से कही गई हैं और गुरु ने, किसी नए चिंतक ने उसे अब नए रूप में सिर्फ रखा है। इसलिए बुद्ध धर्म के सिलसिले में इसका सीधा प्रमाण यह है कि बुद्ध धर्म को हिंदू धर्म से अलग बताने वाले यह कभी नहीं बता पाते कि गौतम बुद्ध अपने जीवन में कब, किस घटना के बाद हिंदू धर्म से अलग हो गए थे। यह प्रश्न सामान्य नहीं है, क्योंकि ईसाइयत और इस्लाम में यह बिल्कुल स्पष्ट और केंद्रीय प्रश्न है। इसलिए भी उक्त प्रश्न, इस प्रश्न का महत्व समझा जा सकता है। यदि बुद्ध धर्म
हिंदू धर्म के प्रति विद्रोह था, जो अनेक मार्क्सवादी और नवबौद्ध नव अम्बेडकरवादी और कुछ विदेशी प्रोफेसर कहते हैं, नेहरूवादी भी कहते हैं। तो प्रश्न है कि यह विद्रोह कब से चिन्हित होता है, किस घटना से, किस वक्तव्य से, किस विचार से। अगर इसका उत्तर ढूंढने कोई चले तो उल्टे यह पता चलता है कि बुद्ध आजीवन कभी एक क्षण के लिए भी हिंदू धर्म से अलग नहीं हुए, बल्कि उनके मन में कभी ऐसा विचार तक नहीं आया। वे हिंदू पैदा हुए और हिंदू ही दिवंगत हुए। उनके दर्शन, चिंतन और कार्य में एक भी तत्व ऐसा नहीं जो पहले के सनातन चिंतन और कार्यों का विरोधी या मूलतः भिन्न भी हो। अतः हिंदू धर्म से विद्रोह की सारी बातें विदेशियों की तथा यहाँ नेहरूवादी या मार्क्सवादी अज्ञान या उनकी कोरी कल्पना है। हालांकि यह प्रश्न उठाने पर कुछ वामपंथी प्रोफेसरों की पहली प्रतिक्रिया यह होती है कि दरअसल तब हिंदू धर्म जैसी कोई चीज़ थी नहीं। अर्थात जब यह पूछा जाता है कि हिंदू धर्म से गौतम बुद्ध कब अलग हुए थे, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया होती है उस समय दरअसल हिंदू धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन यह कितनी विचित्र बात है कि जो चीज़ थी ही नहीं उससे बुद्ध अलग हो गए। मगर मार्क्सवादी दलीलों में यह प्रायः सुनाई पड़ने वाली बात है कि हिंदू धर्म बड़े हाल की निर्मिति, कंस्ट्रक्ट है। बल्कि प्रोफेसर रोमिला थापर ने अपने लेखन में एकाधिक बार उल्लेख किया है कि यह बमुश्किल 200 साल पुराना है। प्रोफेसर विपिन चंद्र ने भी यह कहीं अपनी जगह लिखा है कि हिंदू धर्म, जिसे जैसे आज हिंदू धर्म कहते हैं, वह मुश्किल से 150-200 साल पुराना है। बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं कि कुछ विदेशियों ने आकर के इसे यह रूप दिया। लेकिन सच पूछिए तो जहाँ तक शब्द हिंदू की बात है, तो बात कुछ हद तक सच लग सकती है। आज भी कोई सारे हिंदू शास्त्र पढ़ ले, सारे हिंदू तीर्थ कर ले, सारे हिंदू भजन सुन ले, उसे कहीं भी यह हिंदू शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा। तो अगर हिंदू शब्द की बात है तो यह कहा जा सकता है कि यह हाल की चीज़ है। लेकिन अगर यह दर्शन, परंपरा, ज्ञान की बात है तो बात बिल्कुल भिन्न है। यह हिंदू शब्द या हिंदू नाम यह मूलतः भौगोलिक है, शुरू से ही भौगोलिक है, और कहना चाहिए कि आज भी इसमें कोई अंतर नहीं आया है। इसका, हिंदू शब्द का, भारत के वैदिक उपनिषद धर्म दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। यह संज्ञा या यह नामकरण बाहर के फारसी अखेमेनिद लोगों ने गढ़ी थी, जैसे भारतीय लोग किसी को फिरंगी या पश्चिमी कहते हैं, और वह भी अवज्ञा सूचक। हिंदू शब्द भी अवज्ञा सूचक नाम एक दिया गया था जिसका तात्पर्य था सिंधु नदी के पार रहने वाले लोग। उसी से हिंदू और हिंदुस्तान शब्द बने। भारतीय लोगों का विदेशियों द्वारा यह नामकरण गौतम बुद्ध की लगभग समकालीन घटना है। भारत में हिंदू शब्द का प्रचलन मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा आरंभ हुआ था, जिससे उनका मतलब था वे सभी लोग जो मुस्लिम, ईसाई या यहूदी नहीं हैं। इस नकारात्मक बोध के अलावा हिंदू शब्द का कोई दार्शनिक अर्थ नहीं था। इस प्रकार इसमें भारत में रहने वाले सभी अन्य लोग आते थे, चाहे वे किसी भी विचार, मत, संप्रदाय या जाति के हों। बाहरी आक्रमणकारी यहाँ बौद्धों को भी सिर मुड़ाए हुए ब्राह्मण ही कहते थे। उस मूल परिभाषा से आज भी हिंदू में या हिंदू समुदाय में सभी बौद्ध, जैन, आर्य समाजी, रामकृष्ण आश्रम आदि वाले सारे लोग आ जाएंगे। वस्तुतः यही अर्थ स्वतंत्र भारत के हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी लिया गया था, और हमें ध्यान देना चाहिए कि यह एक्ट तब बना था जब डॉक्टर अंबेडकर देश के कानून मंत्री थे। बल्कि इस प्रसंग में एक घटना भी है कि जब यह मैरिज एक्ट बना था तो कुछ सिखों ने डॉक्टर अंबेडकर से मिलकर इसका प्रतिवाद किया कि सिखों को हिंदुओं के अधीन या हिंदू शब्द के अंतर्गत क्यों लिया गया है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें समझाया था कि यहाँ जो हिंदू शब्द की जो परिभाषा है या जो इसका अर्थ है, वो उसमें बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं। तो स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने, चूंकि यह हिंदू मैरिज एक्ट बनाया था और उसमें यही अर्थ लिया गया था, इससे भी स्पष्ट है कि बौद्धों, सिखों, जैनों आदि को हिंदुओं से अलग करने की मान्यता कितनी नई है। हिंदू शब्द की यह सामूहिक भौगोलिक परिभाषा
सबसे पुरानी भी है। और यह भी नोट करना चाहिए कि यह किन्हीं धूर्त ब्राह्मणों द्वारा दी गई परिभाषा नहीं है, यह बाहरी लोगों द्वारा दी गई परिभाषा है जो आज तक डॉक्टर अंबेडकर तक एक जैसी स्वीकृत रही है। लेकिन यह प्रचार कि हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म न केवल भिन्न है बल्कि बुद्ध धर्म हिंदू धर्म के प्रति विद्रोह है और इससे एक तरह की राजनीतिक प्रतिवाद है, यह विकृतिकरण है और यही चिंता की बात है। क्योंकि हम इसका व्यवहार इसकी व्यवहारिक निष्पत्ति हम देखते हैं या व्यवहारिक इसका प्रयोग देखते हैं कि एक ओर बौद्ध जैन सिख यहाँ तक कि हिंदुओं के बीच दलितों को भी हिंदू नहीं माना जाता, बहुत से लोग कहते हैं वो हिंदू नहीं है और इसलिए तरह तरह के अलायंस बनाने की बात होती है जिसमें माना जाता है कि दलितों को हिंदू विरोधी अलायंस में शामिल होना चाहिए या शामिल किया जाना चाहिए, उसके प्रयत्न होते रहते हैं और यह प्रयत्न कम से कम 150 सालों से चल रहे हैं। लेकिन मजे की बात है कि जब चर्च मिशनरी और इस्लामी अतिक्रमणों पर हिंदुओं की चिंता रखी जाती है तब उपहास होता है कि 80% हिंदुओं को 2% ईसाइयों या 18% मुसलमानों से क्या खतरा हो सकता है। उसी तरह ईसाई मिशनरी लोग वनवासियों जनजातियों को हिंदू नहीं मानते। पहले जब ब्रिटिश ज़माने में जब जनगणना होती थी तो यह प्रयत्न किया गया था कि उन्हें हिंदुओं से अलग समुदाय या संप्रदाय के रूप में चिन्हित किया जाए। एकाध मतगणना में यह प्रयोग करके देखा भी गया लेकिन स्वयं जनगणना अधिकारियों ने ब्रिटिश अधिकारियों ने यह पाया कि हिंदुओं से जनजातियों को और वनवासियों को अलग करना बहुत मुश्किल, क्योंकि उन दोनों के विचार उन दोनों के दर्शन उन दोनों की परंपराएं रीति रिवाज इतने मिलते जुलते थे कि उन्हें हिंदू और अहिंदू में विभाजित करना मुश्किल होता था। फिर बाद में स्वयं अंग्रेजों ने वह अंतर छोड़ दिया लेकिन स्वतंत्र भारत में एक राजनीतिक मतवादी जिद में वह अभी भी कहा जाता है और कहा जाता है कि ये जनजातीय लोग हिंदू नहीं हैं। लेकिन जब वही जनजातीय लोग मिशनरी धर्मांतरण कुचक्रों का प्रतिकार करते हैं जैसे कुछ पहले उड़ीसा में या गुजरात में हुआ था तब उन्हें हिंदू दंगाई कहा जाता है। तो इस चीज़ को नोट करना चाहिए कि वही उन्हीं लोगों को कभी हिंदू माना जाता है और कभी हिंदू नहीं माना जाता है और इसके पीछे कोई दार्शनिक या तात्विक अंतर नहीं बल्कि राजनीतिक मनोवृत्ति होती है। बुद्ध धर्म पर भी विचार करते हुए हिंदू शब्द का अर्थ कभी वैदिक कर लिया जाता है और जब मुफीद हो तो उसे आज का चालू अर्थ दे दिया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार हिंदू शब्द में वैदिक वाला अर्थ कभी नहीं रहा है। हालांकि स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की या हिंदू धर्म मतावलंबियों की मूल पहचान वेदों को प्रमाण मानना ही बताई है। कम से कम इतना सही है कि हिंदू दर्शन चिंतन और रीति रिवाज में अनेक तत्वों का संबंध वैदिक परंपरा से है, वो अक्षुण्ण चली आ रही हैं। अगर आप ऋग्वेद या उपनिषद पढ़ें तो उसमें कई घटनाएं, कई वर्णन ऐसे मिलेंगे जो आज भी आपको भारतीय समाज में जहां तहां झलकते हैं और उनमें और इसमें हमारी परंपराएं बहुत सी ऐसी भी चल रही हैं जिसका वैदिक मान्यताओं से कोई संबंध नहीं है। लेकिन यह अपने आप में कोई अंतर्विरोधी बात नहीं है। हिंदू समाज में या भारतीय परंपरा में श्रुति और स्मृति शास्त्र और लोक महायान और हीनयान सदा से चलते रहे। किसी मुख्य धारा के साथ यहाँ छोटी छोटी स्वतंत्र धाराओं मतों परंपराओं स्थानीय रीतियों आदि को सदा पनपने बने रहने का अवसर रहा है बल्कि नई नई रीतियाँ नई नई परंपराएं बनने का भी रास्ता खुला रहा है। अतः वैदिक मान्यताओं के साथ ही बुद्ध की या कबीर की वाणी भी उसी समाज में साथ साथ सादर चलती रही है। कबीर का आदर करने वाले नानक का आदर करने वाले या बुद्ध का आदर करने वाले यह नहीं मानते थे या यह नहीं मानते हैं कि वह किसी अन्य धारणा का प्रतिकार कर रहे हैं या किसी अन्य धारणा का निरादर कर रहे हैं। अतः इतिहास यही है कि सिद्धार्थ गौतम एक क्षत्रिय थे, इक्ष्वाकु वंश के थे यानी मनु के वंशज थे। यह बात कि वह मनु के वंशज थे इक्ष्वाकु वंश के थे और स्वयं को राम का अवतार भी बुद्ध ने स्वयं कहा है। सिद्धार्थ शाक्य वंश के राजा के पुत्र थे, गौतम गोत्र के थे और राज्य परिषद के सदस्य भी थे। स्वयं बौद्ध लोग भी आज भी तिब्बती लोगों को आप देखिए या कोई भी भारत में तिब्बती लोग हैं तिब्बती विद्वान हैं
वे गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहते हैं। शाक्य मुनि अर्थात शाक्य वंश के श्रेष्ठ ज्ञानी। यदि वंश परंपरा और पहले की धर्म परंपरा से गौतम बुद्ध अलग हो गए होते तो निस्संदेह यह विशेषण गौरवशाली नहीं होता, क्योंकि शाक्य परंपरा तो मनु की यानी सनातन हिंदू परंपरा ही थी। इक्ष्वाकु मनु के ही ज्येष्ठ पुत्र थे जिनके नाम से इक्ष्वाकु वंश है। तो इस तथ्य को खारिज करने अथवा उससे अपने को अलग करने की घोषणा या उल्लेख गौतम बुद्ध ने कभी नहीं किया। जीवन के अंत समय भी जब शाक्यों को कोसल का कोप झेलना पड़ा था तब भी नहीं। तो गौतम बुद्ध का इक्ष्वाकु वंशीय होना और राम का अवतार मानना कोई ब्राह्मणों की या पुराणों की कल्पना नहीं है। यह स्वयं बुद्ध वचनों में और बौद्ध ग्रंथों में कई स्थलों पर मिलता हुआ सामान्य तथ्य है। वस्तुतः जो लोग भारत में हिंदू धर्म परंपरा की हर अच्छी चीज़ को बुद्ध धर्म से उधार लिया या नकल किया बताते हैं, उन्होंने दुर्भाग्य से स्वयं बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन शायद ही किया है। वैसे लोग नेहरू, अंबेडकर या किसी सामान्य प्रोफेसर या प्रचारक के मत को ही आधार बनाकर उसी विश्वास पर अपना निष्कर्ष दोहराते रहते हैं। प्रायः सारे मार्क्सवादी ऐसे ही प्रचारक रहे हैं या उनका लेखन दिखाता है। वस्तुतः सिद्धार्थ गौतम ने 29 वर्ष की आयु में समाज का त्याग किया था, हिंदू धर्म परंपरा का नहीं। लेकिन हमें नोट करना चाहिए कि समय समय पर खोजियों, ज्ञानियों, भावी ऋषियों द्वारा समाज, परिवार और दुनियादारी का त्याग करना या सन्यासी बनना एक चिर स्थापित हिंदू परंपरा ही थी और आज भी है। हिंदुओं के प्राचीनतम ग्रंथ, जो विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ भी है, ऋग्वेद, उसमें भी इसके दृष्टांत मिलते हैं। ऋषि होने से पहले याज्ञवल्क्य वैसे ही सांसारी और राजकीय पदधारी व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, राजकीय व्यक्ति थे। गौतम बुद्ध ने उसी परंपरा को दोहराया था जो हिंदू समाज में पहले से प्रचलित थी। वह परंपरा आज भी है। उदाहरण के लिए स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, श्रद्धानंद या शिवानंद ने और क्या किया था। हाँ, बुद्ध ने वैदिक अनुष्ठानों का पालन छोड़ दिया, फिर भी उन्होंने वैदिक मंत्रों को भी छोड़ा ऐसा नहीं लगता। बल्कि जैन बुद्धिज्म में बौद्धिक मंत्रों की भांति हृदय सूत्र का पाठ किया जाता है, जिसके अंत में सोवाका अर्थात स्वाहा भी कहते हैं। मगर फिर कर्मकांड छोड़ना भी कोई नई चीज़ नहीं थी जो बुद्ध ने शुरू की। कर्मकांड के बदले ज्ञान पर बल देना उपनिषदों में पहले से है। उपनिषद में कोई कर्मकांड नहीं है। उसी तरह गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति के तीन मार्ग स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। इस प्रकार वन जाकर तपस्या करना और ज्ञान साधना करना भी पहले से चली आ रही परंपरा थी। ज्ञान पाने के लिए बुद्ध ने कई तरह के प्रयत्न किए, यह उनकी जीवन गाथा बताती है। उसमें अन्नपाना सती अर्थात श्वास संचालन पर ध्यान देना, यह भी था जो योग पद्धति की सबसे सामान्य चर्या है। इस पर सभी योगी केंद्रित होते हैं। बुद्ध ने कुछ समय तक भोजन, जल आदि सब कुछ त्यागने की अतिवादी साधना भी की थी, जो उनकी जीवनी में प्रसिद्ध है। लेकिन ध्यान दें कि वह आज भी कुछ हिंदू संप्रदायों में मिलता है। इस प्रकार किसी भी चर्या, पद्धति, साधना को स्वीकार करना या छोड़ देना भारत में सदा से चली आ रही बात है। उससे कोई अपने धर्म समाज का अंग नहीं रह जाता, ऐसा कभी नहीं समझा गया। बल्कि यदि बुद्ध ने कोई नई साधना तकनीक भी विकसित की तो यह भी कोई पहली घटना हरगिज नहीं थी। ज्ञान पाना, बोध होना, बुद्ध बनना, यह पहले भी हुआ है। इसे गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा है। और आज भी हम देखते हैं कि नए नए ज्ञानी चिंतक अपनी कोई विशिष्ट तकनीक, जैसे श्री अरविंद ने या अभी सद्गुरु जग्गी वासुदेव और भी लोग हैं, वो अपनी अपनी कोई विशिष्ट तकनीक बनाते हैं या देते हैं। इससे ऐसा नहीं समझा जाता कि वह अपने धर्म से अलग हो गए हैं, और ये बिल्कुल सहज है। अगर ईश्वरीय चिंतन, ईश्वर की खोज, अगर अनंत की खोज है, तो इसकी तार्किक परिणति यह है कि आप इसमें खोज की छूट या खोज का दायरा भी हमेशा अनंत होगा। आखिर अनंत की खोज अनंत ही रहेगी, और जब इसे कोई सीमित करने का प्रयत्न करे
तो सच पूछिए तो वही अस्वाभाविक है। इसलिए नए नए संप्रदाय बनना, नए नए विचार आना, नई तकनीक का उदय होना, नई साधना पद्धति का विकास होना, यह बिल्कुल तर्कपूर्ण है और यह हिंदू दर्शन और उपनिषद दर्शन के बिल्कुल अनुकूल है। जैसा पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि विवेकानंद ने कहा था कि हर व्यक्ति पैगंबर हो सकता है और होना चाहिए, तो निश्चित रूप से यह अनंत की खोज के अनुरूप है कि नए नए गुरु, नए नए ज्ञानी नई नई बातों की खोज करें और लोग उससे लाभ उठाएं। फिर बुद्ध ने यह भी कहा था कि वैदिक देवताओं ब्रह्मा और इंद्र के कहने से उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद संसार को शिक्षा देने का कार्य आरंभ किया। फिर उन्होंने जब धर्मचक्र प्रवर्तन किया तो इसका कोई संकेत नहीं दिया कि वो पहले की कोई परंपरा तोड़ रहे हैं, बल्कि आप अगर धम्म पद उठाइए तो बिल्कुल शुरू में एक पद में लिखा हुआ है एसो धम्मो सनंतरो, यह बुद्ध के वचन है, स्वयं बुद्ध के वचन है, एसो धम्मो सनंतनो, अर्थात यही सनातन धर्म है। तो अगर वो सनातन धर्म से अलग हो रहे होते तो उन्होंने ये नहीं कहा होता। उनका वचन साफ कहता है कि वो जो कह रहे हैं वह सनातन धर्म को ही पुनः दोहरा रहे हैं, अर्थात यही सनातन धर्म है जिसे वे पुनर्व्याख्यायित कर रहे हैं या उसी धर्म को और जोर देकर दूसरे तरह से लोगों को समझा रहे हैं ताकि लोग उसमें प्रवृत्त हों। बुद्ध के अधिकांश संबोधन वैदिक शब्दावली में, जिससे वे अपनी वैदिक जड़ों से मजबूती से जुड़े हुए दिखते हैं। हे ब्राह्मणों, हे भिक्षुओं, हे आर्य आदि कहकर ही बुद्ध अपनी बातें कहते मिलते हैं। आर्य अर्थात भद्र, सभ्य, सज्जन। इस प्रकार धर्म की गिरावट को संभालना, उसकी हानि रोकना, उसे कोई नया सहारा या नई विधि प्रदान करना, बुद्ध ने यही किया था। यह स्थापित हिंदू चेतना है। जैसा गीता में या रामचरितमानस में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, या जब जब हो ही धर्म की हानि, उसमें यही भावना है कि जब भी धर्म का पतन होता है या उस पर कोई संकट आता है तो कोई न कोई नया अवतार, नए ज्ञानी स्वयं ईश्वर के रूप में आते हैं और उसे एक नया रूप और नया स्वरूप देते हैं। उसी परंपरा और भावना में भी गौतम बुद्ध ने भी अपना योगदान दिया था। इसके प्रतिकूल हमें कोई प्रमाण उनके जीवन, कार्य या वचन से नहीं मिलता। जिस तरह श्री कृष्ण ने या बाद में चैतन्य, नानक या स्वामी दयानंद ने अपने उपदेशों से कोई नया धर्म नहीं चलाया, चाहे उन्होंने नए प्रकार की दीक्षाएँ बनाई और उनके विशिष्ट अनुयायी होते रहे, उसी श्रेणी में गौतम बुद्ध का जीवन और कार्य भी देखा जाना चाहिए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सीख देते हुए साधना द्वारा उसी बुद्धत्व की, स्वयं ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा दी थी जो भाव उपनिषदों में कूट कूट कर भरा हुआ है। जहाँ तक वंश और जाति व्यवहार की बात है, बुद्ध के संपूर्ण जीवन में एक भी प्रसंग ऐसा नहीं कि उन्होंने इसकी अवहेलना करने को कहा हो। उल्टे जब दुविधा के प्रसंग आए तो उन्होंने स्पष्टतः पहले से चली आ रही रीतियों का सम्मान करने को कहा। एक बार जब बुद्ध के मित्र प्रसेनादि को पता चला कि उनकी पत्नी पूर्ण शाक्य नहीं बल्कि एक दासी से उत्पन्न शाक्य राजा की पुत्री है, तब उसने उसका और उससे हुए अपने पुत्र का परित्याग कर दिया। किंतु बुद्ध ने अपने मित्र को समझाकर उनका निर्णय वापस करवाया। बुद्ध ने यही तर्क दिया था कि परंपरा से संतान की जाति पिता से निर्धारित होती है, अतः शाक्य राजा की पुत्री शाक्य है। हम समझ सकते हैं कि यदि बुद्ध को जाति प्रथा से कोई विद्रोह करना होता या कोई नया मत चलाना होता तो उपयुक्त होता कि वे सामाजिक जातीय परंपराओं का तिरस्कार करने को कहते। बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं किया, बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं किया और यह बिल्कुल सुसंगत था। बुद्ध की चिंता कोई ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह, राजनीतिक कार्यक्रम या परिवर्तन आदि थी ही नहीं जो आज के वाममार्गी या कुछ नवबौद्ध उनमें देखते या भरते रहते हैं, पर बुद्ध के चुने हुए शिष्यों में लगभग आधे लोग ब्राह्मण थे। उन्हीं के बीच से वे बड़े बड़े दार्शनिक उभरे जिन्होंने समय के साथ बौद्ध दर्शन और ग्रंथों को महान चिंतन और गहन तर्क प्रणाली का पर्याय बना दिया। साथ ही साथ यह भी तथ्य है कि बौद्ध विश्वविद्यालयों ने अनेक जाने माने गैर बुद्ध वैज्ञानिकों को भी प्रशिक्षित किया था। इसलिए यह तथ्य भी नोट किया जाना चाहिए कि भारत के महान विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध से पहले की चीज़ है। उनका उदय बौद्ध धर्म के बाद नहीं हुआ। तक्षशिला का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध से पहले से था, जिसमें बुद्ध के मित्र
बंधुला और प्रसेनादि आदि पढ़े थे। कुछ विद्वानों के अनुसार स्वयं गौतम बुद्ध भी उस विश्वविद्यालय में पढ़े थे। इसलिए यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि बौद्धों ने उन्हीं परंपराओं को और मजबूत किया जो उन्हें हिंदू समाज द्वारा पहले से मिली थी। इसीलिए पूर्वी भारत में गंगा के मैदानों वाले बड़े शासकों और क्षत्रपों ने बुद्ध का साक्षात्कार अपने बीच के विशिष्ट व्यक्ति के रूप में किया था, क्योंकि बुद्ध सचमुच वही थे। उन्हीं शासकों ने बुद्ध के अनुयायियों भिक्षुओं के लिए बड़े बड़े मठ और विहार बनवाए। ध्यान दें कि बुद्ध ने भविष्य में अपने जैसे किसी और ज्ञानी मैत्रेय के आगमन की भी भविष्यवाणी की थी। मैत्रेय अर्थात मित्रता, भाईचारा का पालक, और यह भी कहा था कि वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा। यह स्वयं बुद्ध ने कहा है। अतः अगर बुद्ध के लिए कुल, जाति और वंश महत्वहीन होते तो वे ऐसा नहीं कह सकते थे। उन्होंने अपने मित्र प्रसेन आदि को वही समझाया जो सबसे प्राचीन उपनिषद में सत्यकाम जाबाली के संबंध में तय किया गया था। उसी पारंपरिक रीति का पालन करने की सलाह बुद्ध ने अपने मित्र को दी थी। जब बुद्ध का देहावसान हुआ तब 8 नगरों के शासकों और बड़े लोगों ने उनकी अस्थि भस्मी पर दावा किया था। उनका कहना था कि हम क्षत्रिय हैं, बुद्ध क्षत्रिय थे, इसलिए उनके भस्म पर हमारा अधिकार है। उनकी बात को माना गया और उन सबको भस्मी दी गई। बल्कि यह तथ्य है कि बुद्ध के देहांत के बाद लगभग आधी शती तक बुद्ध के शिष्य सार्वजनिक रूप से अपने जातीय नियमों का पालन निसंकोच करते मिलते हैं। यह बिल्कुल सहज था, क्योंकि बुद्ध ने उनसे अपने जातीय संबंध तोड़ने की बात कभी नहीं कही थी। उदाहरण के लिए अपनी बेटियों को विवाह में किसी और जाति के व्यक्ति को देना इत्यादि। कहना चाहिए कि बुद्ध का यह व्यवहार सुसंगत था, क्योंकि किसी को जिसे संसार को आध्यात्मिक शिक्षा देनी हो वह सामाजिक मामलों में कम से कम दखल देगा। कोई क्रांति करना, कोई नया राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रम चलाना तो बड़ी दूर की बात है। जैसा कुंडा डेल्स्ट कहते हैं, यदि किसी के द्वारा अपनी ही मामूली कामनाओं को संतुष्ट करना एक विकट काम होता है, तब किसी कल्पित समानतावादी समाज की अंतहीन इच्छाएं पूरी करना कितना कठिन और कितना बड़ा भटकाव होगा। इस बिंदु पर सोचना चाहिए। अगर गौतम बुद्ध को अपना आध्यात्मिक संदेश लोगों को देना था तो यह बिल्कुल तर्कपूर्ण और आवश्यक था कि वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थाओं में कम से कम हस्तक्षेप करते, और यही हुआ था। इसलिए तथ्य यह है कि हिंदू समाज से अलग कोई अहिंदू या हिंदू विरोधी बौद्ध समाज भारत में कभी नहीं रहा। अधिकांश हिंदू विविध देवी देवताओं की उपासना करते हैं, और यह आज भी हम देख सकते हैं कि वे उसमें किसी को जोड़ते और किसी को घटाते भी रहे हैं। आज भी किसी किसी हिंदू के घर में रामकृष्ण, विवेकानंद, श्री अरविंद या डॉक्टर अंबेडकर उसी पंक्ति में मिल जाएंगे जहां शिव, पार्वती, राम, दुर्गा आदि विराजमान रहते हैं, और इस बात से कोई हिंदू पंडित या सामान्य हिंदू इसे अनुचित नहीं मानता। कहना चाहिए कि गौतम बुद्ध या गुरु नानक के अनुयायी उपासक उसी प्रकार के श्रद्धालु थे या हैं, वे कोई अलग से बौद्ध या सिख लोग नहीं थे। दरअसल यह ईसाइत और इस्लाम से एकांतिकता, बंद मानसिकता या अब्राहमी रिलीजनों की पहचान है कि वे या तो वह या तो हम वाली समझ से अपने को फैलाते और दूसरे को मिटाते रहे। यह उनकी एक मूल प्रतिज्ञा, उनके रिलीजन का एक केंद्रीय तत्व है। यह नोट किया जाना चाहिए कि यह हिंदू धर्म का या बौद्ध धर्म का तत्व नहीं है, कभी नहीं था और आज भी नहीं है। इसलिए भी भारत में धर्म को रिलीजन का पर्यायवाची प्रयोग करने में सावधानी रखनी जरूरी थी, जो दुर्भाग्यवश नहीं रखी गई। सर्वधर्म संभाव जैसी राजनीति में बहुतेरी गलतियां इसलिए भी या जानबूझकर की गई हैं। स्वतंत्र भारत में नेहरूवाद, मार्क्सवाद और कुछ लोगों के अंबेडकरवाद ने इस मानसिकता को अज्ञानवश या राजनीति प्रेरित भी बढ़ाया है। इसमें कभी कभी, और यह भी नोट करने की बात है कि इसमें कभी कभी स्वयं डॉक्टर अंबेडकर की बात तक को दरकिनार कर दिया जाता है, और यह इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं, अंबेडकर के शिष्य कहते हैं, वह स्वयं डॉक्टर अंबेडकर की बात को क्यों दरकिनार करते हैं, क्यों उपेक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए बुद्ध धर्म का भारत से लोप क्यों हुआ, डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर विस्तार से लिखा है, लेकिन जो आज अंबेडकरवादी राजनीतिकर्मी है या नेहरूवादी विद्वान है
वह इसकी सरासर उपेक्षा करते हैं। वे सब कुछ बोलते हैं लेकिन वह नहीं बोलते जो डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं लिखा है। इससे स्पष्ट दिखता है कि कुछ बातों में, कुछ निष्कर्षों में तथ्य या तर्क के बजाय अपनी एक मतवादी जिद प्रमुखता पाती है। पुराने बौद्ध विहारों, मठों और मंदिरों को भी देखें तो उनमें वैदिक प्रतीकों और वास्तुशास्त्र की बहुतायत मिलती है। वे पुराने हिंदू नमूनों का ही अनुकरण करते रहे हैं। बौद्ध मंत्रों में भारत से बाहर भी बौद्धिक वैदिक मंत्रों की अनुकृति मिलती है। जब बुद्ध धर्म भारत से बाहर फैला, जैसे चीन, जापान, श्याम आदि देशों में, तो यहाँ से वैदिक देवता भी बाहर गए। उदाहरण के लिए जापान के हरेक नगर में देवी सरस्वती का मंदिर है। अब यह तो समझने की बात है कि देवी सरस्वती को जापान ले जाने वाले कोई ब्राह्मण नहीं, बौद्ध लोग ही थे। अपने जीवन के अंत में बुद्ध ने जीवन के 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया था। किसी भी मनुष्य को जिन 7 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, इसका उल्लेख गौतम बुद्ध ने किया था। और उन्होंने कहा था कि इन सिद्धांतों का पालन करने पर कोई समाज नष्ट नहीं होता। वस्तुतः उन्हीं 7 सिद्धांतों को आधार बनाकर इतिहासकार सीताराम गोयल ने एक सुंदर उपन्यास भी लिखा है, सप्तशील, 1960 में प्रकाशित। यह उपन्यास वैशाली गणतंत्र की पृष्ठभूमि में लिखा गया है और इनमें उन 7 गुणों की चर्चा है। इन 7 सद्गुणों में अपने पर्व त्यौहार का आदर करना, उन्हें मनाना, तीर्थ व अनुष्ठान करना, साधु संतों का आदर करना, यह भी है। और इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि भारत के अनेक त्यौहार जो आज हिंदू मनाते हैं वो वैदिक मूल के हैं। इस तरह से वैदिक समाज से आज तक अनेक त्यौहार और परंपराएं अक्षुण्ण चली आ रही हैं। बुद्ध के समय भी ये पर्व त्यौहार अपने से पहले के ही थे। महाभारत में भी नदी किनारे तीर्थ करने के विवरण मिलते हैं। बलराम और पांडव सरस्वती और गंगा के तट पर तीर्थ करने गए थे और बुद्ध ने भी इन अपने बताए 7 सिद्धांतों में या 7 सद्गुणों में तीर्थ करना भी बताया था। इसलिए जहाँ तक धार्मिक और सामाजिक व्यवहारों की बात है, बुद्ध ने पुराने व्यवहारों के विरुद्ध कुछ नहीं कहा, यदि कुछ कहा तो उनका आदर और पालन करने के लिए। इस प्रकार बुद्ध के वचन, बुद्ध के चिंतन, बुद्ध के जीवन और कार्य, इन सब को सरसरी नज़र से या गहराई से देखने के बाद यह दिखाई पड़ेगा कि वे कोई विद्रोही या क्रांतिकारी होने के उलट पूरी तरह परंपरावादी थे। उन्होंने अपने समय की चालू राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की ही सलाह दी थी। और इस रूप में यह बिल्कुल विश्वास से कहा जा सकता है कि गौतम बुद्ध आजीवन एक हिंदू दार्शनिक रहे। एल्स्ट के शब्दों में, बुद्ध अपने पोर में हिंदू थे। निस्संदेह इस बात से जो चाहे मतभेद रख सकते हैं, और जैसा कि हम कह चुके हैं, यह स्वीकृति मूलतः भारतीय और हिंदू परंपरा का ही अंग है। इन बातों की चर्चा करने का आशय यह है कि हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म को अलग करने या एक दूसरे के विपरीत दिखाने के जो प्रयत्न होते हैं उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे कोई दार्शनिक या तात्विक आधार नहीं, बल्कि राजनीतिक विचार या राजनीतिक प्रेरणा प्रमुख होती है। निस्संदेह कई लोग इसे अनजाने रूप में करते हैं, लेकिन इससे जो हानियाँ होती हैं या हो सकती हैं उसके प्रति हमें सावधान रहना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि बुद्ध मतावलंबियों को हिंदू कहा जाए या हिंदू मतावलंबी बुद्ध धर्म के अनुयायियों को एक खास तरह से चलाने की कोशिश करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जहाँ तक दार्शनिक तात्विक चिंतन की बात है तो तथ्यों का सामना करना चाहिए, और उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बुद्ध के समय से लेकर स्वामी विवेकानंद के समय तक जो हिंदू और बौद्ध समुदाय और हिंदू और बौद्ध दर्शन के बीच समानता के तत्वों को जो प्रमुखता मिलती थी वही उपयुक्त थी, और हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।